बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ रिवीजन है ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसा कि वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है, ऑर्गेनो मींस ऑर्गन एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। दो मेजर इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान, एक है मॉर्फोजेनेसिस और दूसरा है डिफरेंशिएशन। और ये दोनों प्रोसेसेस सेल को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंशिएट करते हैं। यानी मॉर्फोजेनेसिस में हर इंडिविजुअल सेल अपनी शेप में चेंज लेकर आता है, लेकिन इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, यानी दूसरे सेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए हर इंडिविजुअल सेल अपनी शेप में चेंज लेकर आता है। इसी तरह डिफरेंशिएशन में हर सेल ये एबिलिटी एक्वायर करता है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान सेल स्पेशलाइज होते हैं, और वो स्पेशलाइजेशन कहाँ से आती है? एक तो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोम है। वर्टिब्रेट की अगर हम बॉडी की बात करें तो हर सेल के अंदर सिमिलर सेट ऑफ जीनोम है, यानी सेम जीन्स हैं। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है? उनके एक्सप्रेशन में। यानी एक सेल के अंदर कुछ जीन्स ऑन हैं और सर्टेन जीन्स ऑफ हैं, इसी तरह दूसरे सेल के अंदर वो सर्टेन जीन्स ऑन हो सकते हैं और बाकी जीन्स ऑफ होंगे। तो वो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोम जो है वो सेल को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंशिएट करता है। सेकंड है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट सेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन जीन का हमेशा प्रोटीन के फॉर्म में होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो वहाँ पर सेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं और वो भी स्पेशलाइज करती हैं सेल्स को कि वो स्पेसिफिक ऑर्गन में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें। हमने पर्टिकुलरली ऑर्गेनोजेनेसिस में वर्टिब्रेट के ऑर्गन फॉर्मेशन की बात करनी है, और सबसे पहला ऑर्गन जो हमारे पास है वो है ब्रेन का। ब्रेन फॉर्मेशन वर्टिब्रेट के अंदर कैसे होती है? न्यूरिलेशन की अगर हम प्रोसेस की बात करें, हमने क्लास के अंदर ये बात की हुई है ऑलरेडी कि न्यूरिलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। और प्राइमरी न्यूरिलेशन में हमने ये देखा था कि नीचे से, बल्कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर जब हमने गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस की बात की थी, तो वहाँ पर तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो रही थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो मीजोडर्म फर्दर सब डिवाइडेड थी इनटू डिफरेंट टाइप्स। उसमें जो बिल्कुल मिड एक्सेस पे प्रेजेंट थी मीजोडर्म, उसको हमने कहा था एक्सियल मीजोडर्म या कॉर्डा मीजोडर्म। और जो उसके साइड्स पे प्रेजेंट थी वो पैराएक्सियल मीजोडर्म, जो उससे साइड पे थी वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और जो बिल्कुल लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट थी वो थी लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो यहाँ पर जो न्यूरिलेशन का प्रोसेस है या फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब है, उसको कौन सी चीज़ इंड्यूस कर रही है या उसके लिए इंडक्शन कहाँ से आती है? वो कॉर्डा मीजोडर्म प्रोवाइड करता है। और कॉर्डा मीजोडर्म या पैराएक्सियल मीजोडर्म वो मीजोडर्म है जिसने फर्दर डिवेलपमेंट में जाके नोटोकॉर्ड बनानी है। तो यहाँ पर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन भी कॉर्डा मीजोडर्म इंड्यूस करती है, और उसके बाद एक दफ़ा जब आपके पास थ्री डायमेंशनल न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर, तो उसके आगे ब्रेन डेवलपमेंट होनी है उसके इंटीरियर पोर्शन पे। उसी न्यूरल ट्यूब के इंटीरियर पोर्शन पे ब्रेन डेवलपमेंट होनी है, पोस्टीरियर पोर्शन पे स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट होनी है। ये इंडक्शन भी कॉर्डा मीजोडर्म ही देता है। तो दोनों न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन और उसके बाद उसकी डिफरेंशिएशन, दोनों का इंडक्शन कॉर्डा मीजोडर्म से ही आती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंस, जो हमें एक्सपेरिमेंट्स से एविडेंस हमें इसका मिलता है कि कॉर्डा मीजोडर्म ही इम्पॉर्टेंट है इंडक्शन के लिए। क्योंकि अगर ऊपर हमने कहा एक्टोडर्म है, उसके नीचे होती है न्यूरल ट्यूब, और फिर होती है कॉर्डा मीजोडर्म जिसने फर्दर डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड बनानी है। तो अगर एक्टोडर्म से इंडक्शन आ रही होती तो एक्सीजन का मतलब है सर्जिकल रिमूवल करके साइंटिस्ट ने 180 डिग्री पे रोटेट करके दोबारा एम्बेड किया एक्टोडर्म को लावा के अंदर, तो ब्रेन फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब वही न्यूरल ट्यूब के नीचे जो कॉर्डा मीजोडर्म है उसको सर्जिकली रिमूव करके 180 डिग्री पे रोटेट करके दोबारा एम्बेड किया गया डेवलपिंग लावा में, तो कॉर्डा मीजोडर्म की इंडक्शन की वजह से न्यूरल ट्यूब में फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन पोस्टीरियर साइड पे हुई, यानी पोस्टीरियर एंड पे लार्वा की ब्रेन डेवलपमेंट हुई। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरल ट्यूब की रीजनलाइजेशन, और वो रीजनलाइजेशन कैसे होती है? यानी मुख्तलिफ रीजन्स बनते हैं न्यूरल ट्यूब में, क्योंकि ट्यूब की अलॉन्ग द लेंथ चेंजेस आ रहे होते हैं, स्ट्रक्चर में भी
और वो चेंजेस जो हैं वो स्वेलिंग्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो कंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, और ये स्वेलिंग्स और कंस्ट्रक्शंस ब्रेन के कंपार्टमेंट्स बनाती हैं. जो सेफेलिक रीजन है यानी जो हेड रीजन होता है उस न्यूरल ट्यूब का, वहाँ पर वॉल थिक और ब्रॉड होती है. और इसी तरह जो कॉडल रीजन है वहाँ पर वो सिंपल ट्यूब की फॉर्म में होती है. कॉडल रीजन जो है न्यूरल ट्यूब का वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, और जो सेफेलिक रीजन है न्यूरल ट्यूब का वो ब्रेन बनाएगा. और जो न्यूरल ट्यूब है उसका इंटीरियर साइड पे जो पोर है उसको इंटीरियर न्यूरोपोर कहते हैं, जो पोस्टीरियर साइड पे पोर है उसको पोस्टीरियर न्यूरोपोर कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फर्दर डेवलपमेंट जब प्रोसीड करती है. जो न्यूरल ट्यूब है उसके अंदर हमने कहा कंस्ट्रक्शंस बनती हैं, स्वेलिंग्स बनती हैं, और उन कंस्ट्रक्शंस और स्वेलिंग्स के रिजल्ट में तीन प्राइमरी वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, तीन प्राइमरी कंपार्टमेंट्स बनते हैं. एक है हमारे पास फॉर ब्रेन या प्रोसेंसेफेलॉन, सेकेंड इज़ मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलॉन, एंड थर्ड इज़ हाइंड ब्रेन या रोम्बिनसेफेलॉन. इस डायग्राम में डिपिक्शन है तीनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की. यहाँ पर हमारे पास फॉर ब्रेन है, प्रोसेंसेफेलॉन जो कि फर्दर डिवाइडेड है इंटू टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. इसी तरह मीजेंसेफेलॉन है मिड ब्रेन, फर्दर डिवीजन नहीं होती मिड ब्रेन के अंदर. रोम्बिनसेफेलॉन की अगर हम बात करें तो वो भी फर्दर सब डिवाइडेड है इंटू मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन. और यहाँ पर येलो में हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड. जो हमने पीछे बात की तीन प्राइमरी वेसिकल्स की जो ब्रेन फॉर्मेशन में वर्टिब्रेट के ब्रेन फॉर्मेशन में होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स से फर्दर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बल्ज आउट होते हैं, और वो बाकी हेड के सेंसरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिस तरह के आईज हैं, नोज है और ईयर्स हैं. ब्रेन में दो मेजर रीजन्स हैं जहाँ पर बेंडिंग आती है, और उस बेंडिंग को हम कहते हैं फ्लेक्सचर. एक है सेफेलिक फ्लेक्सचर यानी सेफेलिक मीन्स रिलेटेड टू हेड, और दूसरा है सर्विकल फ्लेक्सचर दैट इज़ रिलेटेड टू नेक. इस डायग्राम में यहाँ पर हमें शो हो रहा है ये है प्रोसेंसेफेलॉन, और इसके ऊपर मीजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के अंदर आ रहा है फर्स्ट सेफेलिक फ्लेक्सचर, और उसके बाद ये रेड में है रोम्बिनसेफेलॉन, और रोम्बिनसेफेलॉन के बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पे हमारे पास है सर्विकल फ्लेक्सचर, और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड येलो के अंदर. और ये वाला जो बल्जिंग सा स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिक वेसिकल्स हैं. इसके अलावा जो हमने पीछे बात की प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी बल्जेस भी निकल रहे होते हैं, ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं. फर्दर डिवीजन में जो प्रोसेंसेफेलॉन या फोर ब्रेन है वो डिवाइड हो रहा है टेलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में. इसी तरह मीजेंसेफेलॉन फर्दर सब डिवाइड नहीं हो रहा, और रोम्बिनसेफेलॉन डिवाइड हो रहा है मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन में. फॉर ब्रेन में टेलेंसेफेलॉन की हमने बात कर ली. इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है फॉर ब्रेन का वो टेलेंसेफेलॉन है, वो बनाता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं. और जो पोस्टीरियर डायनसेफेलॉन है वो बनाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमिक रीजन्स. और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमिक रीजन्स जो हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज को, स्लीप वेक साइकिल को, बॉडी टेम्परेचर को, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं. न्यूरल ट्यूब न्यूरल इनपुट जाता है रेटिना से, वो भी सारा डायनसेफेलॉन को ही रिसीव होता है. मिड ब्रेन फर्दर सब डिवाइडेड नहीं है, इसका जो ल्यूमेन है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट बनाता है, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इन जनरल अगर हम बात करें वर्टिब्रेट के ब्रेन की तो वर्टिब्रेट का ब्रेन फोर वेंट्रिकल्स पे मुश्तमिल होता है. थ्री हमने कहा प्राइमरी वेसिकल्स या पार्ट्स हैं ब्रेन के वर्टिब्रेट के ब्रेन के, और फोर वेंट्रिकल्स हैं. वेंट्रिकल्स क्या हैं? फोर कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. तो सेरिब्रल एक्विडक्ट जो मिड ब्रेन से बनती है वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट कर रही होती है. लास्ट में हमारे पास है रोम्बिनसेफेलॉन जो कि फर्दर डिवाइडेड है इनटू इंटीरियर मेटेंसेफेलॉन, और वो बनाता है सेरिब्लम, और सेरिब्लम जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है पोस्चर्स को, बैलेंस को, हमारी मूवमेंट्स को. इसके अलावा पोस्टीरियर माइनसेफेलॉन जो कि फर्दर डिवेलपमेंट में आगे जाके बनता है मेडुला ओब्लोंगाटा, और ये कोऑर्डिनेट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ को, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ को. रोम्बिनसेफेलॉन फर्दर टाइम टू टाइम डिवाइड होता है इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट्स
पीरियोडिक स्वेलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं और वो स्वेलिंग्स छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाती हैं, उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं रोम्बोमेयर्स। यहाँ हमारे पास वर्टिब्रेट के डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स की पिक्टोरियल डिपिक्शन है और डिफरेंट कलर्स से हाईलाइट किया हुआ है। प्रोसेंसेफेलॉन फर्दर सब डिवाइड हो रहा है टेलेंसेफेलॉन में, जो कि आगे जाके लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर बना रहे हैं। डायनसेफेलॉन थैलमस हाइपोथैलमस एपिथैलमस बनाता है। मिड ब्रेन जो है वो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ हाइंड ब्रेन जो है वो फर्दर सब डिवाइड होता है मेटेनसेफेलॉन में, जो कि पॉन्स और सेरिब्लम बनाता है, और माइलनसेफेलॉन बनाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। प्लेकॉर्ड की बात करें तो प्लेकॉर्ड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जब अंदर वाली न्यूरल ट्यूब में कोई स्वेलिंग्स या बल्जेस बनते हैं और वो बाहर वाली मौजूद एक्टोडर्म के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उसके रिजल्ट में बाहर वाली एक्टोडर्म की लाइनिंग थिकन होना शुरू हो जाती है, और उस थिकनिंग के रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं क्रेनियल एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड। और ये प्लेकॉर्ड फॉर्मेशन वर्टिब्रेट के सेंसरी ऑर्गन्स को फॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आइज की फॉर्मेशन, नोज की फॉर्मेशन, ईयर्स की फॉर्मेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि अंदर वाली न्यूरल ट्यूब के बल्जेस जो हैं वो बाहर निकलकर एक्टोडर्म के साथ इंटरैक्ट ना करें। और प्लेकॉर्ड्स में फिर हमारे पास लेंस या ऑप्टिक प्लेकॉर्ड है, वो आई का लेंस बनाता है। इसी तरह ऑल्फैक्ट्री या नेजल प्लेकॉर्ड है, वो ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम बनाता है। इसी तरह ऑडिटरी ऑटिक प्लेकॉर्ड है, वो लेबरेंथ ऑफ द इनर ईयर बनाता है। लेबरेंथ में हमारे पास कॉक्लिया शामिल है, वेस्टिब्यूल, इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल्स सारी इनर ईयर का पार्ट हैं। थैंक यू वेरी मच।